So we will be discussing fractions. फ्रैक्शंस के लिए याद करें, हमने आपको निकालना बताया था 1/2 सबसे पहली क्लास में, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. याद है ये वैल्यूज? यस, याद सबको ये वैल्यूज या भूल गए? 0.5 है सर। अच्छा, याद दिलाता हूँ मैं आपको कि हमने ये वैल्यूज निकाली थी। ये था 0.5, ये था 0.33, ये था जनाब 0.25, ये था जनाब 0.2, ये था जनाब 0.16, ये था जनाब 0.14, ये था जनाब 0.125, और जनाब ये था 0.11। तो अब बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना नहीं आता ना, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉर सपोज हमारे पास एक नंबर है 2/5 ना। अब फॉर सपोज किसी बच्चे को नहीं पता कि भाई 2/5 क्या होता है, तब इसको करने के ना कई तरीके। बहुत सारे बच्चों को ऑब्वियस ही बात है, पता होगा कि भाई 2/5 जो वो कितना होता है, सबको पता होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा, थैंक यू। लेकिन अब इसको निकालने के ना कई तरीके। एक तरीका तो ये है कि मैं 2 को डिवाइड कर लूँ 5 से। तो मैं कैसे करूँगा, मैं 5 यहाँ रखूँ, मैं 2 यहाँ रखूँ, मैं करूँ 2 2 4, 1 बच गया कैरी, फिर मैं 0 सॉरी गलत कर दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर 2 लिखूँ, यहाँ पर 5 लिखूँ, यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं कर दूँ 4 हो जाएगा 20। एक तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर 2/5 को सॉल्व करने के लिए एक काम ये करूँ कि यहाँ पर मैं अपने पास 0 लगा दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको 1/10 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 10 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि ये जो सॉल्व है ये हो जाएगा 4 के बराबर, और ये लिखा हुआ है 1/10। मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा 0.4, एक ये तरीका है। यहाँ तक बात समझ आ गई? एक और तरीका क्या हो सकता है, क्या बेटा? सर 1/5 में मालूम है, डेसिमल में 0.2 + 0.2 भी कर सकते हैं ना? सब बता रहा, सब बता रहा। तो एक तरीका और है कि आप इसको जो है ना ब्रेक कर लें 1 + 1/5 में, तो आपको पता है भाई ये जो है 0.2 है और ये भी 0.2 है, तो प्लस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। मैं सारे मेथड्स इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम सवाल सॉल्व करने बैठोगे, तुम्हें जो मेथड सही लगेगा ना, जो अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, वो तुम अप्लाई कर रहे हो। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि तुम इसको ब्रेक करके लिख लो कि 2 × 1/5। अब ये है 2 और ये है जनाब 0.2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.4 आ जाएगा। एक और तरीका ये है जनाब, जो मुझे आसान लगता है, कि मैं नीचे वाले नंबर को
बना लो 10 या फिर 100। क्या बताया मैंने आपको, नीचे वाले नंबर को मैं क्या बना लूं, 10 बना लूं या 100 बना लूं। तो अब अगर मैं इसको 10 बनाता हूं तो मैं करूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो होगा क्या, ये ऊपर क्या बन जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा और नीचे 5 2 10 बन जाएगा, तो इसका आंसर 0.4 आएगा। तो कई तरीकों से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये चारों एग्जांपल्स, पांचों एग्जांपल्स समझ में आ गई? तो मामा कह रही हैं, अक्सा कह रही हैं सर दूसरा वाला मेथड बता दें। अच्छा, और मामा कह रही हैं तीसरा वाला बता दें। अच्छा, दूसरा वाला मेथड दोबारा से सुन लें। मैंने 2/5 को 10 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया ताकि ऊपर बन जाए 20 और 5 के टेबल में आता है 20। अक्सा बात समझ आ गई? और मामा कह रही हैं 3 रिपीट कर दें, तो तीसरे में हमने क्या किया, 2 को ब्रेक कर लिया 1+1 में, तो 1/5 जो है वो 0.2 है और 1/5 जो है वो 0.2 है। अगर मैं इनको प्लस कर लूं तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, सबको बात समझ आती? सबसे आसान क्या है, अकॉर्डिंग टू विच इज लेस टाइम टेकन। सबसे आसान वो है जो आपको जल्दी कर दे। हर इंसान का अपना तरीका होता है बेटा, मैंने इसलिए सारे बता दिए। सर सबसे अच्छा, सर वाई ओनली 10, कोई और नंबर क्यों कंसिडर नहीं किया? यार बात वही आ जाती है उमर, के मैं जिस मेथड पे जल्दी कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। देखो मैं तो करता रहता हूँ ना, कराता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, तो होता क्या, जब जैसे अगर अपॉन में 6 होता तो मैं उसके लिए फिर शायद मल्टीप्लाई बाय डिफरेंट मेथड यूज करता, डिपेंड करता है नंबर से जिससे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे अच्छा अक्सा ने मुझसे पूछा कि 10 क्यों बनाना है। 10 इसलिए बनाना है क्योंकि समथिंग अपॉन 10 होगा तो सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना है, मैं डिवाइड एक्चुअली नहीं करना होगा। 5 और 2 का तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी 3 4 6 7 8 9 कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको कई मेथड्स बताए, मैंने कई मेथड आपको इसलिए बताए ताकि आपको ये पता हो कि कब कौन सा मेथड लगाना है, डिपेंड करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने तुमसे कहा कि जनाब 17/3 करना है ना, तो अब तुम पढ़ो 3 का टेबल, सर आखिरी वाला रिपीट कर दें। फिजा देखो बेटा, अपॉन में 5 था, मुझे अपॉन में 10 बनाना है क्योंकि सिर्फ 10 से डिवाइड करने में आसानी ही होती है, सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना होता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 और नीचे हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो इसका मतलब नीचे बन जाएगा 10, जब नीचे 10 बन जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, अब 17/3 है तो अब तुम्हें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। तुम्हें पता है कि जनाब 1/3 जो है वो होता है 0.33 और 2/3 जो है ना ये होता है 0.66 या 0.67। ये दो बातें याद कर लो, तो अब तुम 3 से डिवीजन आराम से कर सकते हो। अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हें 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल तो पढ़ सकते हैं ना, 3 से डिवाइड नॉर्मली तो कर सकते हैं ना, तो हमें ये पता है कि 3 5 15 हो जाएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो अगर क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, 5 whole number 2/3। क्या ये बात सबको समझ में आती? जी सर। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 3 5 15 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो जिससे मल्टीप्लाई होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ और जो रिमाइंडर होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो जनाब अब 5 तो एज इट इज रहेगा, 2/3 होता है 0.67, तो मेरा आंसर आ गया 5.67। कई एग्जांपल समझ आ गई सबको?
इसी तरीके से एक और भी बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 2047 / 3। तो अब हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, 3 6 हो जाएगा 18, इसके पास आया 2 कैरी, फिर हो गया 3 8 24, कोई कैरी नहीं आया, फिर 3 2 6 है, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो है 1। जब रिमाइंडर 1 है तो इसका आंसर आएगा 0.33। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या ये एग्जांपल क्लियर है सबको? सर रिपीट कर दें ये वाली। देखो बेटा, बेसिकली रिमाइंडर 2 होता तो, रिमाइंडर 2 होता तो 2/3 हो जाता, 0.67। देखो बेटा, मैंने 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने कहा 3 6 18, 2 चला गया कैरी, अब ये हो गया 24, फिर ये हो गया 3 8 24, फिर बचा 7। अब 7 जो है वो पूरा नहीं जाएगा 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 1 रिमाइंडर बच जाएगा तो अब मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 1/3 लिखा जाएगा बेसिकली, और 1/3 क्या होता है बेटा? 0.33। क्या ये बात समझ आ गई? जी हाँ बेटा, बात समझ आ गई। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, सिक्स फाइव थ्री कर लेते हैं, और हमें डिवाइड करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे टेबल, तो 3 2 होता है 6, फिर 3 1 होता है 3, यहाँ 2 जाएगा कैरी, फिर 3 7 होता है 21, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है तो हम लिखेंगे 0.67। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से अगर मुझे 0.15 को डिवाइड करना है 2 से, तो मैं कैसे करूँगा? मैं बेसिकली 15 को डिवाइड करूँगा 2 से, मेरे पास आंसर आएगा 7.5। 7.5 आंसर आएगा, लेकिन मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा वो आएगा जनाब 0.075। क्यों किया ऐसा मैंने? क्यों 0.5 लिखा था 15 से, तो बेसिकली मैंने 2 पॉइंट राइट शिफ्ट किए थे, तो अब जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट को शिफ्ट करूँगा 2 यूनिट लेफ्ट साइड। तो पहले मैंने पॉइंट शिफ्ट किया था 2 यूनिट राइट साइड, तो अब मैं पॉइंट शिफ्ट करूंगा 2 यूनिट लेफ्ट साइड। अगर ये पॉइंट की शिफ्टिंग आपको नहीं समझ में आती, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने पहले 100 से मल्टीप्लाई किया था और अब मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई सबको?
सर वापस बता दें, 0.15 को डिवाइड करना था 2 से, तो पॉइंट से बच्चे थोड़े घबरा रहे हैं, तो मैंने इसको 0.515 के बजाय 15 लिख लिया। 15 को डिवाइड बाय 2 करना था, वो तो मुझे आता था, मैंने 7.5 लिखा। तो अब लेकिन मैंने 0.15 को लिखा था 15, तो एक्चुअली मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। अक्सर बात समझ आ गई? एक मिनट रुक जाए, आसान हो जाए। सर मैंने सर भी नहीं कहा। अच्छा ओके, अब देखें 682 को अगर मुझे डिवाइड बाय 4 करना है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें। डायरेक्ट आप 4 से कैसे डिवाइड करेंगे जनाब? आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 4 वन ज़ा 4, 2 जाएगा कैरी, फिर आप करेंगे 4 सेवन ज़ा 28 और 4 ज़ीरो ज़ा 0, लेकिन आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब है कि आप उसको लिखेंगे 2/4 और ये हो जाएगा 170.5। क्या ये बात समझ आ रही है आपको मेरी, कि मैंने 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बच गया मैं उसको अलग से लिख लिया होल नंबर की फॉर्म में, और 2/4 मुझे पता है कि 0.5 होगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? एक और तरीका क्या हो सकता था? एक और तरीका ये हो सकता था कि अगर मुझे डिवाइड करना है 682 को 4 से, तो बेसिकली मैं इसको क्या करूं, मैं इसको हाफ करूं और फिर मैं इसको दोबारा हाफ कर दूं। तो पहले हाफ कैसे होगा, 600 का हाफ होगा 300, 80 का हाफ होगा 40 और 2 का हाफ होगा 1। ये हो गया पहला हाफ। जब मैं दोबारा हाफ करूंगा तो 300 का हाफ हो गया 150, फिर 40 का हाफ हो गया 20 और 1 का हाफ हो गया 0.5, तो ये हो गया 170.5। तो इसका मतलब मुझे कभी भी 4 से डिवीजन करनी होगी तो मेरे पास 2 मेथड्स होंगे, कि या तो मैं उसको नॉर्मल तरीके से 4 से डिवाइड कर लूं, या फिर मैं उसके हाफ करूं फिर दोबारा हाफ कर लूं। एक और मेथड भी हो सकता है ना कि इसको डिवाइड करें फिर 10 में कन्वर्ट कर दें। किसमें कन्वर्ट करते हैं? 10 में, जैसे कि 68341 ओवर 2 करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो ये 341 को 5 से मल्टीप्लाई करना लंबा काम है ना, मसला ये है ना बच्चे कि 341 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करना लंबा काम है। समझ आई बात? जी सर। अच्छा तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि जनाब 2, 6, 5, 6 इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो कौन सा मेथड आसान लग रहा है आपको? सर अगर 685 होता तो हाफ कैसे करते, जैसे 341 को किया है फिजा? ब्रेक करके, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करते, 5 का हाफ 2.5 है ना? जी बिल्कुल सही कह रही है। उसको कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने यहाँ ब्रेक करके लिखा है ना बेटा, ऐसे लिख लेते ना आप, पहले 600 का हाफ करते 300 होता, फिर 80 का हाफ करते 40 आता, 5 का हाफ करते 2.5 आता। ठीक है फैजा? ओके okay, अब इसको डिवाइड बाय 4 करना है तो पहले इसका हाफ करो, तो हाफ करोगे तो 1300 आ जाएगा और फिर 28 आ जाएगा, फिर 1300 का हाफ करना है तो 1300 का हाफ करूंगा तो पहले आएगा 650
और 28 का हाफ करूंगा तो 14 आएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 664। क्या ये बात समझ आती? कोई मसला इसमें? क्लियर है ना? फोर्स डिवीजन में कोई मसला? शुड आई मूव ऑन? देखिए मैं आपको बार बार एक बार बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताई थी कि मेरे मेथड ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरीके से मैं मेथड समझा दूं, क्वेश्चंस पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होगा। जब तुम्हें मेथड समझ में आया हुआ होगा ना तो ऑटोमेटिक तुम क्वेश्चंस को ठकाठक करते चले जाओगे। नॉर्मली होता क्या है, वीकेंड आप जब कहीं प्रिपरेशन करते हैं तो वो ना क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन भी कराना चाहिए कि नहीं कराता, लेकिन जब आपको मेथड पता होता है ना तो आप चीज को बड़े आराम से कर लेते हो। तो मेरा फोकस होगा मेथड पे, क्वेश्चंस पे कम फोकस होगा। क्वेश्चंस आपने करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करने। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल। यस यू आर राइट। मैंने जुमला चेंज कर दिया ना फेमिनिज्म की वजह से। पहले मैं बोलता था प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो कुछ औरतें बुरा मानती थी, तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल। तो अब उसमें भी इशू है कि मैन पहले क्यों आ रहा है, वुमेन क्यों नहीं आ रहा पहले। तो अब मुझे लग रहा है नया जुमला बनाना पड़ेगा मुझे, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट एंड मैन एज वेल। आगे चलते हैं भाई। अच्छा भाई, मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर है 3.54। अब बच्चों की ना जान जाती है कि इसको डिवाइड बाय 4 करना है। पॉइंट्स के नंबर को खेलने में ना परेशानी होती है बच्चों को। तो भाई मान लो कि ये 300 है, तो 300 का हाफ करोगे 150 आ जाएगा, और फिर 54 का हाफ करोगे तो 27 आ जाएगा। तो जनाब ये कितना हो गया आपका लवा लग रहा, ये हो गया 177। 170 के बाद सर आप इंडिविजुअल्स बोल दें। नाइस वन अक्सर। अब इसका दोबारा हाफ करेंगे तो 170 का हाफ करना है तो 17 का हाफ कर लें आप। 17 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85। और 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, तो जनाब ये बनेगा 88.5। अब आपने शुरू में 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.885। क्या ये बात सबको क्लियर है? सर ये वाला समझ नहीं आया। देखो बेटा उमर, मैंने किया ये है कि 3.54 को ना मैंने अज्यूम कर लिया वही 300, ठीक है, और फिर 300 का हाफ किया तो 150 हो गया, और 54 का हाफ किया तो 27 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 177। ये तो अभी हाफ हुआ था, मुझे दोबारा से हाफ करना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 177 है ना, तो पहले मैंने 170 का हाफ कर लिया, तो 170 का हाफ कर लिया 85। अच्छा अब बच्चों को ये भी हो सकता है इशू हो कि सर हमें तो 170 का हाफ ही नहीं पता, तो कोई मसला नहीं है, आप और ब्रेक कर लो इसको। आप पहले 100 का हाफ कर लो 50 आ जाएगा, फिर 70 का हाफ कर लो 35 आ जाएगा, फिर 7 का हाफ कर लो 3.5 आ जाएगा, ऐसे कर लो। सही भाई, बात समझ आ गई? अब आंसर आया तुम्हारे पास 88.5, तो एक्चुअली 3.54 था, तो हमने तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, 354 लिख लिया था, ये 354 था थोड़ी, तो बेसिकली 100 से शुरू में मल्टीप्लाई किया था, जब फाइनल आंसर निकालोगे तो 100 से डिवाइड कर लो। बात समझ आ गई?
डिवाइड बाय टू जीरोस। यार उमर ही तुम वाई लिखते हो या यस लिखते हो? अच्छा मतलब माशाल्लाह इतनी सुस्ती है भाई को कि यस पूरा नहीं लिख रहे, सिर्फ वाई लिख रहे हैं। मैं इतनी देर से समझ रहा हूँ कि ये पूछ रहा है वाई क्यों। पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स, सॉरी बेटा। अच्छा जी, तो मेरे बच्चों फोर से डिवाइड कर गया भाई मेरे बच्चों को। Should I move on? तो 5 से डिवाइड करने का क्या इरादा आप लोगों का? 5 से डिवीजन कर लें या 6 पे आ जाए डायरेक्ट? सिक्स पे आ जाए, मेरा ख्याल है 5 कराने की जरूरत नहीं है मुझे ना। 5 में हमारे बच्चे चीते चल रहे हैं भाई। एक सवाल कर लेते हैं, 43.6 को डिवाइड करना है 5 से। फाइव से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, कई तरीके से कहा है मैंने आपको। तो मेरा ख्याल है अब इस सवाल पे एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे यार। ओके, सो अब हमें ये डिवाइड बाय 4 करना है, राइट? सॉरी 5 करना है। तो अब इसका तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड कर लूं 2 से, तो ये आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है कि आप या तो बैठ के 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको ब्रेक कर लें। आप बेसिकली 43.6 ना लिखें इसको, ये बेसिकली 436 है आपके लिए। तो बेटा ये हो जाएगा 400 का डबल हो जाएगा 800, ठीक है, 36 का डबल हो जाएगा 72, तो ये बन गया 872 डिवाइड बाय 10। और इनफैक्ट ये 872 नहीं है बल्कि 87.2 है, फिर डिवाइड बाय 10 हो रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8.72। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सर ये एक चीज बताएं, अगर ये 43.6 है उसको हम 436 ले लें और 5 से डिवाइड कर लें तो 400 को डिवाइड बाय 5 और 36 को फिर 5 से, तो उस तरह से भी हो सकता है सर। से भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस पे साफ है। अगर तुम्हारा हाथ डिवाइड पे साफ है तो डिवाइड करो, अगर तुम्हारा हाथ पे साफ है तो मल्टीप्लाई करो। सही है सर, थैंक यू। खेल सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं कोई भी मेथड तुम पे लाद नहीं रहा कि भाई यही करना है। अच्छा माम कह रही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना है? माम बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा ये होता है कि जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे ये 10 आ जाएगा, और फिर अपॉन 10 करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है माम बेटा? बात समझ आ गई?
के एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब 3.27 डिवाइड हो रहा है 5 से कैसे करेंगे वही काम करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अगर अज्यूम कर लें कि ये 300 है तो उसका डबल हो जाएगा 600 27 का डबल हो जाएगा 54 तो ये जाएगा 6.54 अपॉन में आएगा 10 तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 0.654 क्या ये बात समझ आ गई सबको कोई मसला है इसमें क्या है जनाब अब देखते हैं जनाब उसके 6 से डिवीजन कैसे की जाएगी तो फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है 473 चलो आसान लेते हैं मेरा सवाल 476 को हमें डिवाइड करना है 6 से तो इसका तरीका ये है दो तरीके हैं कि या तो आप बैठ के इसको 6 से डिवाइड करें तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो मैं पढ़ूंगा टेबल भाई 6 सेवनजा होता है 42 5 जाएगा कैरी और जनाब 6 नाइनजा होता है 54 और हमारे पास 2 बच जाएगा तो 2 होल नंबर 2 अपॉन 6 बेसिकली 1/3 है और 1/3 का मतलब होता है 0.33 तो एक तो ये तरीका है क्या इस तरीके में किसी को मसला सर रिपीट कर दें प्लीज देखो बेटा 6 से डिवाइड किया मैंने तो 6 से डिवाइड कैसे करूंगा